Welcome back. This is Saurabh Kumar Raut and you are now watching the Raut classes. आज के हम अपने वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है उसमें तीसरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंपनी जो होती हैं वो इनकॉर्पोरेट कैसे होती हैं। कहने का मतलब है कि कंपनी जो एग्जिस्ट कैसे करती हैं, हम लोग कब कहेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी के बारे में, जो कि पहला है। मैंने लिखा है यहाँ पर द फोर प्रिंसिपल स्टेजेस फॉर एन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। और इसमें क्या है कि सर जो फोर प्रिंसिपल स्टेजेस हैं, इसमें से सबसे पहले आती है आपकी प्रोमोशन। प्रिंसिपल स्टेज कहने का मतलब होता है सर कि ये वो स्टेजेस हैं जिसको फुलफिल करने के बाद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी और कंपनी कहलाएंगी। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले क्या है सर, प्रोमोशन। प्रोमोशन में देख लीजिए, ये वो प्रमोशन नहीं है कि जो आप बेसिकली सुनते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में रह करके या प्राइवेट जॉब करते हुए कोई एक पर्सन जो है वो अपने क्वालिफिकेशंस को सॉरी वो अपने जॉब पोजीशन को इम्प्रूव कर रहा है या उसकी जॉब पोजीशन इंक्रीज कर रही है देन अर्लियर, ये वो प्रमोशन नहीं है। यहाँ पर प्रमोशन का मतलब होता है ये एक ऐसी पहली प्रिलिमिनरी प्रोसेस होती है जहाँ पर कि एक इंडिविजुअल या मोर देन वन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आप कह सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं, इनविसेज करते हैं, सोचते हैं कि हमारे एक कंपनी जो है वो सर फ्यूचर में एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसके लिए वो सारे रिस्क और रिवार्ड्स को बियर करने के लिए एक्सेप्ट एग्री करते हैं। तो वो प्रोसेस कहलाती है प्रोमोशन। मतलब कि प्रोमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इनविसेजिंग, सोचना इसको एग्जिस्ट, मतलब कि ड्रीम से उसको टेंजिबल बनाने के बारे में सोचना। For an incorporation of a company is called promotion. उस कंपनी को incorporate करना, मतलब incorporation का मतलब मैं पहले बताया था कि उसको register करना, उसको exist करवाने के लिए जो भी legal formalities हैं उसको fulfill करना, ये promotion कहलाता है। और promotion करते कौन है, वो लोग जो पहले सोचते हैं कि कंपनी exist करनी चाहिए, उनको हम लोग promoters कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है promoters के बारे में note बना करके कि promoters are the persons who first envisages for an establishment of a company, they are called promoters. मतलब वही लोग promoters कहलाएंगे जो पहले सोचते हैं कि कोई company exist करनी चाहिए future में और किस तरह की product line पे वो operate करने वाली है, वो हर चीजें जो होते हैं वो promoters ही पहले decide करते हैं। फिर second जो process है principal stage में वो ये है कि sir the registration of a company। अब क्या है कि जब प्रोमोटर्स पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी को एग्जिस्ट करनी चाहिए, किस तरह की कंपनी एग्जिस्ट करनी चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर उसकी क्या होगी और उनकी ऑपरेशन किस तरह की कमोडिटी को लेकर के होंगी, तो उसके बाद उनको एग्जिस्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले उनको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी होती है जहां पर उनको MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी और कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, वो उनको प्रिपेयर करके अपने डॉक्यूमेंट में कंटेन करनी होती है। उसके बाद वो जाते हैं MCA के पास में, जिसमें हम लोग उसको कहते हैं मिनिस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ अफेयर्स। वहां पर जाने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको जो लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो कहलाता है, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कि कंपनी की जो एक्सटर्नल अफेयर्स होंगी, मतलब कंपनी से जो उनके आउटसाइडर्स की जो रिलेशंस होंगी उसके बेसिस पे कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी को फुलफिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये MOA में आपको एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में कंटेन करके आपको रिप्रेजेंट करनी होती है। फिर आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं It is also known as the constitution for an internal affairs of the of a company. मतलब कि किसी भी कंपनी की जो इंटरनल अफेयर्स होती हैं, इंटरनल हैपनिंग्स होती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, या एक तरह से कह सकते हैं कि सर ये आपका फ्रेमवर्क होता है कंपनी के अंदर में, उनके जो मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, क्या क्या उनकी वर्किंग्स हैं, इन सभी को डील करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो भी लाया जाता है। और जो तीसरी प्रोसेस होती है फोर प्रिंसिपल स्टेज में वो ये है कि सर कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ये एक्चुअली लास्ट प्रोसेस होता है जहां पर ये देखा जाता है कि एक कंपनी तब तक अपनी ऑपरेशन को मींस चालू ओपन ऑपरेट नहीं कर सकती है अनलेस देयर इज अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय डायरेक्टर्स विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू द इफेक्ट दैट एवरी सब्सक्राइबर
to the memorandum of association has paid the value of the share. जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कंपनी तब तक ऑपरेट नहीं कर सकती है जब तक जो उसके जो MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स की वैल्यू को पे नहीं किया है. फिर उसमें सेकेंड प्रोसेस ये आती है कि वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अब आपकी टेंजिबल एग्जिस्टेंस को पहले वेरीफाई किया जाता है कि आपकी जो ऑफिस है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करती हैं, वो एक वेरिफिकेशन करती हैं कि आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है कहाँ एक्चुअली, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. जो आपने प्रॉमिस किया था, जो आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने जो मेंशन किया था, आपने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो आपने मेंशन किया था और जो आपने कंसेंट अपने डायरेक्टर्स के बारे में दिया था, क्या वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो आपने जैसा प्रॉमिस किया था क्या वो अभी एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ये वेरिफिकेशन जब हो जाती है तब आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट कहलाती है. आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और टर्म्स जो कि कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होती हैं. चलिए कि आप देख पा रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के बाद क्या होती है कि एक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है. प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आर बीइंग इश्यूड बाय अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द इश्यू अलोंग विद द पर्पस ऑफ फॉर विच द प्रोसीड्स कैन बी यूज्ड. मतलब कि कंपनी की जो प्रोसीड्स होगी, कंपनी की जो सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट होगी उसको वो कंपनी कहाँ कहाँ यूज करने वाली है, इसके लिए उनको एक प्रोस्पेक्टस भी इशू करना होता है. तभी लोग देखेंगे और जानेंगे कि कंपनी की जो शेयर खरीदने से उनको बेनिफिट होगी या नहीं होगी, किस तरह की प्रोडक्ट लाइन को कंपनी ऑपरेट करने वाली है और उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए और उससे प्रॉफिट अर्निंग कंपनी की कैसी रहेगी, वो मीन्स लॉन्ग लास्टिंग कंपनी होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ें वो लोग जो होंगे, पब्लिक जो होंगे, वो उसको देख करके एंटिसिपेट करते हैं और तभी जा करके उससे उस कंपनी की जो शेयर होगी उसको ऐसे कुछ भी सिक्योरिटीज शेयर डिबेंचर जो भी हो वो उसको परचेज करेंगे. फिर प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड इंक्लूडिंग एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंसर्न कॉरपोरेशन. उस कॉरपोरेशन से रिलेटेड कंसर्न वो जो प्रोस्पेक्टस होगी वो कुछ भी इंक्लूड कर सकती हैं, जैसे कि एक नोटिस हो सकता है कंपनी के बारे में, या सर्कुलर हो सकती है, या वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है. एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में भी आप देखते ही होंगे कि बहुत सारी ऐसी कॉरपोरेशन होती है जो कि प्रोस्पेक्टस इशू करके वो हैंड टू हैंड वो मीन्स डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं रोड साइड पे, और उसमें ये भी कंटेंट होता है कि पब्लिक को जो है सर पब्लिक कितना मीन्स कंपनी के पास में जो शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है पर शेयर की और कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है और इशू कितना किया है उन लोगों ने. तो ये सारी चीज़ें होती है प्रोस्पेक्टस में बेसिकली कंटेंट होती है. सेकेंड जो है आपके इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कंपनी को दिखाना होता है वो ये कि सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए. सर देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कंपनी, हाउएवर सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड that company must receive at least 90% of the subscription before it can allot shares. कोई minimum amount नहीं है subscription का, लेकिन जितना company को operate करने के लिए एक amount of capital चाहिए होता है, value होता है, वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी तरह की recurringly हो या फिर ये बोलते हैं जो आपका first time जो investment होता है उसको करने के लिए तो एक at least एक amount value होती है, वो तो आपके पास होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो आपकी company जो है सर वो operate नहीं कर पाएगी. उसीलिए यहाँ पर वैसे तो कोई कंपनी के लिए जो कंपनी जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट को प्रिस्क्राइब नहीं करती है, लेकिन फिर भी सेबी जो है उनका कहना है कि आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने से पहले आप एटलीस्ट 90% जो है अपने सब्सक्रिप्शन की वैल्यू को आप रिसीव कर लें, उसके बाद ही आप अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब आप जो शेयर जिन्होंने एप्लीकेशन मनी आपको दिया है, जो एप्लीकेंट्स हैं, सब्सक्राइबर हैं आपके, उनको आप उनके नाम पे अपने उनकी शेयर को रजिस्टर करवा सकते हैं. और जो तीसरी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस
जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि उनको कुछ ना कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मीट करनी होती है, मतलब ऑपरेशन से पहले कुछ एक्सपेंसेस, जैसे कि आपने देखा था इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कोई एक इजी टास्क तो है नहीं, उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी बहुत सारी एक्सपेंसेस को मीट करनी होती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, ये सब क्या है कि कुछ एक्सपेंसेस है जो कि एक कंपनी को, एक कॉर्पोरेशन को पहले मीट करना होता है जब तक वो अपने ऑपरेशन को स्टार्ट ना कर ले, और तभी वो ऑपरेशन कर सकती है आगे चल करके। और यही सारी बातें थी जो मैं बोलना चाह रहा था आपको, आप चाहें तो आप इसको पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी टॉपिक्स मैंने डील करी है यहाँ पे, और आई थिंक आपको ये बेनिफिट्स देगी आगे चल करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू डिड लाइक दी वीडियो लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर अ न्यू व्यूअर। थैंक यू।